अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और मेरी रेसिपीज़ को भी ट्राई कर रहे होंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। तो अभी बस आज मैं आपके लिए एक और रेसिपी लेकर आई हूँ, चलिए आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं हमारी रात की बची हुई रोटी की एक डिज़र्ट बनाएंगे, बहुत मज़े की और बहुत झटपट बन के रेडी होने वाली और बहुत ही मज़े की बनने वाली है। तो आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो हमने ले ली है तकरीबन 2 रोटी जो रात के खाने की हमारी बची हुई थी, उनको हमने हाथ से अच्छे तरीके से उसको हमने उसकी चूरी बना ली है, उसको हमने हाथ से अच्छे तरीके से मसल किए और उसको बिल्कुल बारीक बारीक कर लिया है और उसको हमने रख दिया साइड पे एक बाउल में। और हमने एक फ़ैन में एक कप पानी लिया है और उसमें हमने तकरीबन एक पीस हमने गुड़ का डाला है। गुड़ मैंने लिया है जो हमारा जो मेवे वाला गुड़ बना हुआ होता है, मैंने वो वाला गुड़ यूज़ किया है। आप सिंपल गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इसको हमने अच्छे तरीके से पका लेना है जब तक हमारा गुड़ इसमें मेल्ट नहीं हो जाता। तो जब हमारा गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें 2 टेबलस्पून घी के ऐड करेंगे और घी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जो घी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो हमने अपनी रोटी मसल के रखी हुई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे तो जो हमारा पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और घी हमारा इससे निकल के बाहर आ जाएगा और जो हमारी ये स्वीट डिश है ये रेडी हो जाएगी। और ये बहुत मज़े की और बहुत मिनटों में बनने वाली रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और बच्चे तो इसको बहुत शौक से खाएंगे। और हमारी जो रात की रखी हुई रोटी है जो बच जाती है, जो ज़ाया हो जाती है, वो ज़ाया भी नहीं होगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा मेरी ये रेसिपी आप कैसी लगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।